प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह यीशु में आशा है सेवकाई में आपको स्वागत करता हूँ। मैं इवेंजलिस्ट रोशन क्रिकेटा एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह, प्रेम, शांति और भरपूर आशीष यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जीवन के लिए घोषणा करता हूँ। प्रिय बाइबल हमें बड़े ही अच्छी तरीक़ा से एक बातों को बताता है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना की किताब उनकी 14 अध्याय की 15 और 16 पद, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक अद्भुत बात लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। इसका मतलब उनकी आज्ञाओं को मानने के लिए हमें यीशु मसीह से प्रेम करना अनिवार्य है। जब तक हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हम उनकी आज्ञा को पालन शायद और नहीं कर पाएंगे। प्रिय, हम उनकी आज्ञा को सिर्फ जानते हैं या काफ़ी नहीं, उनकी आज्ञा को हमें मानना भी आवश्यकता है। और हमें हम अपने बुद्धि और अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य से या तो अपने डिग्रियों से और अपने जीवन से हम उनकी आज्ञा को पालन और उनकी आज्ञा को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे जब तक हम यीशु मसीह को जब तक प्यार नहीं करेंगे। प्रिय, मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ, मार्कुस रचित सुसमाचार उनकी 10 अध्याय की 17 से लेकर 21 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में लिखा है, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम गुरु क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। हालेलुया। प्रिय, यीशु ने सारा चीज़ उन्हें बताया कि यदि तुम स्वर्ग राज्य जाना चाहता है और अनंत जीवन का हकदार होना चाहता है तो तुम्हें आज्ञा मानना आवश्यकता है। और वो सारे आज्ञा को भी यीशु ने बताया कि कौन कौन सा आज्ञा उन्हें मानना आवश्यकता है। आज आप और हम बहुत सारे आज्ञाओं को जानते हैं कि सच में हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें झूठी गवाही ना देना है, हमें हत्या ना करना है, और बहुत सारे बाइबल में हमें वो आज्ञा मिलता है। परंतु आज्ञा हम जानते हैं यही काफ़ी नहीं, परंतु हमें हर एक आज्ञा को क्या करना है, पालन करना है। परंतु इस व्यक्ति क्या कहता है, मैं जन्म से ही सारे आज्ञाओं को मानते मानते आया हूँ। परंतु यीशु मसीह क्या कहता है, 21 में यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। सबसे पहले तो यीशु मसीह ने प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगाल को दे दे। प्रिय, इस बातों को सुनने के बाद वह युवक और जवान बहुत ही निराश हुआ और वह यीशु मसीह से छूट के वह अपने घर की ओर लौट गया। क्यों? ये सारे आज्ञा को वो पूरा करने के बाद में एक आज्ञा में क्यों वो चूक गया? क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ है जिसको दोनों को प्रेम करना है, एक है यीशु मसीह, दूसरा है उसका धन। यीशु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। परंतु यह व्यक्ति का प्रेम यीशु मसीह के ऊपर में नहीं, यह व्यक्ति का प्रेम धन के ऊपर है। प्रिय, यदि संसार में कोई भी वस्तु को हम यीशु मसीह से ज़्यादा प्रेम करते हैं हम कभी भी और कभी भी उनकी इच्छा को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आज इस भाग दौड़ के जीवन में प्रिय, यदि आप सच में मसीह की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप यीशु मसीह को प्रेम करिए। वो प्रेम ही आपको उनकी आज्ञा के अनुसार चलने में मदद करेगा। जब आप उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेम करेंगे तो प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
आप जब उनको बहुत प्यार करेंगे तो आप सिर्फ उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं, परंतु आप उनकी आज्ञा को भी ढूंढेंगे कि कौन कौन सा आज्ञा और कौन कौन सा इच्छा यीशु मसीह रखता है। प्रिय, जैसे हम प्रभु प्रार्थना करते हैं, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरा हो, तो किसके द्वारा वो इच्छा पूरा होगा? वो आपके द्वारा, परमेश्वर की इच्छा इस संसार में पूरा हो सकता है। प्रिय, इसलिए बाइबल में क्या कहता है, यदि तुम उसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञा को मानोगे, और उनकी आज्ञा को मानने के लिए आपको बहुत सारे वचन को जानना आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे वचन को जानने के बाद यदि आप वचन को फॉलो नहीं कर पा रहे तो क्या फ़ायदा है? परंतु मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ मेरे प्रिय मित्र, वो यह है, लव योर गॉड, यीशु मसीह को अपने हृदय से प्रेम करो। इसलिए तो हमें वचन में क्या लिखा, क्या बताता है, लव योर लॉर्ड विथ योर होल हार्ट, विथ योर माइंड एंड विथ योर स्ट्रेंथ। तुम अपने सारे शक्ति से, अपने सारे समझ से और अपने सारे हृदय से यीशु मसीह को प्रेम करो। और सच में जब आप इस अवस्था में और इस प्रकार से यीशु मसीह को प्रेम करेंगे तो बदले में यीशु मसीह क्या करेगा, मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। जब आप यीशु मसीह को सच में अपने सारे हृदय से प्रेम करेंगे तो यीशु मसीह आपके लिए सिंहासन छोड़ देगा। यीशु मसीह आपके लिए सिंहासन छोड़ के अपने पिता के आगे घुटने टेक कर आपके लिए प्रार्थना करेगा। सच में ऐसा ही लिखा है यूहन्ना की किताब उनकी 14 का 16 पद में क्या लिखा है, मैं पिता से विनती करूँगा। प्रिय, क्यों पिता से विनती करेगा? क्योंकि आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिसके कारण से सारे आज्ञाओं को मानते हैं, इसीलिए वह आपके लिए प्रार्थना करेगा। प्रिय, संसार के कोई भी व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना नहीं भी करते होंगे तो भी यीशु मसीह आज भी स्वर्ग में आपके लिए प्रार्थना करते हैं अपने पिता से। क्यों? सिर्फ पवित्र आत्मा देने के लिए नहीं, परंतु आपके जीवन की हर एक चीज़ों के लिए गिन गिन कर, ढूंढ ढूंढ कर यीशु मसीह अपने पिता से आपके लिए विनती करता है। इसलिए प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ना डरे, ना घबराए, दुखित ना हो, क्योंकि आपके लिए प्रार्थना करने वाले संसार की कोई राजा या कोई व्यक्ति नहीं, एकमात्र स्वर्ग में रहने वाले जीवित परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना करता है। इसलिए प्रिय, अपना घबराए, सिर्फ एक ही आसान काम करें, यीशु मसीह को प्रेम करने के लिए सीखें। जब आप यीशु मसीह को प्रेम करेंगे तो सच में आप कभी भी उनकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेंगे। प्रिय, मेरे जीवन में एक अद्भुत गवाही है, वह यह है, जब मैं यीशु मसीह को प्रेम करने के लिए सीखा, जब मैं उसके प्रेम में डूबने लगा, जब उसके प्रेम की गहराई में मैं डूबने लगा, तो मैं हर दिन उसकी इच्छा को ढूंढने लगा। प्रिय, इसलिए उसकी इच्छा को पूरा करना है उनकी इच्छा को पूरा करना ही स्वर्ग की इच्छा संसार में पूरा होना है। यदि आप उनकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यीशु मसीह को प्रेम करने सीखें। जब आप उन्हें प्रेम करेंगे तो सच में आप उनकी इच्छाओं को ढूंढेंगे, जैसे हम संसार में करते हैं। संसार में यदि कोई लड़का कोई लड़की को बहुत प्यार करता है, यदि कोई लड़की कोई लड़का को बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, तो उनकी इच्छाओं को ढूंढने लगता है कि क्या उन्हें पसंद है, क्या उन्हें पसंद है कि मैं उनके लिए करूँ इसलिए, और उसने जानने के बाद वो उनके लिए वैसा ही करते हैं जैसा उनको अच्छा लगता है। वैसे ही जब आप उनको प्रेम कर पाएंगे यीशु मसीह को, आप उनकी इच्छा को ढूंढ के उस सारी इच्छा को पूरा कर पाएंगे। इसलिए आसान तरीका मैं आपको देता हूँ, लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड, विथ ऑल योर स्ट्रेंथ, तब आप एक अच्छा मसीही जीवन जी सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।